अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फराह हसन एंड आई वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम पढ़ेंगे 3+ जनरल नॉलेज का लेसन वेजिटेबल्स। डियर टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ। आज के इस टॉपिक में हम बच्चों को सब्जियों के बारे में बताएंगे, कुछ सब्जियों की पहचान करवाएंगे, इनके नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये सब्जियाँ हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। वेजिटेबल्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ। आज हम कुछ सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, वो सब्जियाँ जो रोज़ाना हम पकाते हैं और खाते हैं। तो पहली तस्वीर में देखिए ब्रिंजल, ब्रिंजल यानी कि बैंगन। प्यारे बच्चों, बैंगन तो आपने खाया होगा। हम बैंगन को आलू के साथ भी पकाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। नेक्स्ट देखिए कैरेट यानी गाजर। गाजर तो आपने खाई होगी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे रैबिट भी बहुत शौक से खाता है। नेक्स्ट देखिए कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी। गोभी भी आपने खाई होगी, हम अक्सर अपने खानों में गोभी पकाते हैं ना, तो ये है गोभी और ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। नेक्स्ट देखिए लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। भिंडी किस किस को पसंद है, आपने भिंडी तो खाई होगी ना, ये भी बहुत मज़े की सब्ज़ी होती है। नेक्स्ट देखिए ऑनियन यानी कि प्याज। प्यारे बच्चों, हम जो भी खाना बनाते हैं हम उसमें प्याज का इस्तेमाल लाजमी करते हैं और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट देखें पीज यानी मटर। मटर भी एक सब्ज़ी है जिसे हम खाने में पकाकर खाते हैं। नेक्स्ट देखिए पोटैटो। पोटैटो यानी आलू। आलू तो आपने खाया होगा, आलू जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, मोटा करता है और हमें ढेर सारी ताकत भी देता है और इसे हम हर सब्ज़ी के साथ पका सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टोमेटो। टोमेटो यानी टमाटर। प्यारे बच्चों, टमाटर ऐसी सब्ज़ी है जिसे हम हर खाने में पकाते हैं, यानी कि टमाटर के बगैर कोई भी खाना जो है वो मुकम्मल नहीं होता। ये बहुत टेस्टी होता है, इसे हम सब्जियों में भी काउंट करते हैं और फलों में भी। लास्ट वन टर्निप। टर्निप यानी शलजम। तो प्यारे बच्चों, शलजम भी एक सब्ज़ी है जिसे हम पकाकर खाते हैं और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डियर टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वेजिटेबल्स यानी कि सब्ज़ियाँ, डियर टीचर्स, बच्चों को इन सब्ज़ियों के बारे में मज़ीद एक्सप्लेन करें और इन्हें इनके फ़ायदे बताइए और इन सब्ज़ियों के नामों को इन्हें याद करवाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।